Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian news bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV. यूक्रेन पर हमले के नतीजा तो रूस को भुगतने होंगे कैनेडियन وزیراعظم का कहना है कि तहदियों के साथ मिलकर रूसी कार्रवाइयों का जवाब देंगे रूस पर मजीद सख़्त پابंदियां عائد करेंगे। कैनेडा में ट्रक ड्राइवर्स का एहतजाज खत्म नौ दिन बाद वजी ने इमरजेंसी हटाने का ऐलान कर दिया गुजश् कई रोज से जारी एहतजाज ने हुकूमत को मफरूज कर दिया था कैनेडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में मामूली कमी मरीजों की मजबूरी तादाद बत्तीस लाख पचपन हजार अट्ठावन तक जा पहुंची जबकि हलाकते छत्तीस हजार एक सौ इकसठ हो गई रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया दारुल हुकूमत की धमाकों से गूंज उठा रूसी सदर का कहना था कि यूक्रेन के फौजी हथियार डाल दें तो उनको महफूज इलाकों में जाने दिया जाएगा हमले के बाद में मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफ़ा हो गया जंग की बजाय बातचीत से मसला हल करना चाहते हैं यूक्रेनी सदर का कहना है कि जंग में सिर्फ यूक्रेन और रूस का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नुकसान होगा रूस के हमले का भरपूर जवाब देंगे हम अपनी बकाा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे पाकिस्तान को रूस के यूक्रेन पर हमले पर मौक़ बता दिया रूस के जंगी मनसूबे के खिलाफ आवाज़ उठाना हर मुल्क की जिम्मेदारी है तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा का कहना है कि इमरान खान के दौरे रूस की टाइमिंग पर तबसरा नहीं कर सकते दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 43 करोड़ से तजावज कर गई मोजी वायरस से बात उनसठ लाख उनतालीस हो गई मुतासर अफराद की तादाद तैंतालीस करोड़ छः लाख अट्ठाईस हजार छः हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म मुलायम और साफ आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर करें www.greenish.com वजे अजम जस्टिन टूडो ने यूक्रेन पर रूस के हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि रूस को नतज भुगतना होंगे मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडियन वजीर जस्टिन टूडो ने यूक्रेन पर रूस के हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि रूस को नतज भुगतना होंगे वजीर अज़म जस्टिन ट्रूडो यूक्रेन पर रूस के हमले की मजम्मत कर रहे हैं और रूसी सदर वौजी से से दस्ते वापस बुलाने का मुतालबा कर रहे हैं ट्रूडो का कहना था कि कनाडा यूक्रेन पर रूस के जबरदस्त हमले की सख्त तरीन मुमकिना अल्फाज में मजम्मत करता है ट्रूडो ने कहा कि रूस के इकदाम के संगीन नतज बरामद होंगे ये बिला इश्तियाल कार्रवाइयाँ यूक्रेन के ख़ुदमुख्तारी और इलाकई सालियत की वजह खिलाफ वर्जी हैं। प्यूतन बैन अवी कानून और अकोम मुतहदा के चार्टर के तहत रूस की जिम्मेदारियों की भी ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं ट्रूडो ने कहा कि वो जुमेरात जी सेवन के शरात दारों ऐसी बात करेंगे और नेटो और कैनेडा के इतिहादियों के साथ तेजी से काम करेंगे जिनमें उन लापरवाह और खतरनाक कार्रवाई का इज्तमी तौर पर जवाब देना बशमूल पहले ऐसी ऐलान करदा पाबंदियों के अलावा अहम पाबंदियाँ आयद करना शामिल है कनेडा के वजीर जस्टिन टूडो ने में ट्रक ड्राइवरों की क्यादत में मुजाहरों को हटाने और अमरीकी सरहद अबूर करने के लिए इस्तेमाल किए गए हंगामे हंगामी इख्तार दिया मजीदल जानते तो है हैं इस रिपोर्ट में कनेडा के वजी अजम जस्टिन टूडो ने दारकूमत आटोवा में ट्रक ड्राइवरों की क्यादत में मुजाहरों को हटाने और अमरीकी सरहद अबूर करने के लिए इस्तेमाल किए गए हंगामी इख्तियार को मनसूख कर दिया इस दौरान उन्होंने कहा की अब बहरान खत्म हो चुका है कैनेडा में ट्रक ड्राइवरों ने वैक्सीनेशन के हवाले से जबरदस्त मुजाहरे किए थे जिसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो और उनके अहल खाना को किसी खुफिया मकाम पर ले जाने की नौबत आ गई थी इसी तरह के मुजाहरे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी देखे गए साथ ही फ्रांस में भी आवाम की जानब से कनेडा की तरह मुजाहरे की तैयारियाँ की गयी थी वजे आजम जस्टिन टूडो ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा आज हम इस बात की तस्दीक करने के लिए तैयार है की अब कोई एमरजेंसी नहीं है लिहाजा हुकूमत हंगामी हालात के कानून के इस्तेमाल को ख़त्म कर देगी हमें यकीन है की मौजूदा कवानी और जमनी कवानीन लोगों को महफूज रखने के लिए काफ़ी है ये इख्तियार नौ दिन पहले इस्तेमाल किए गए थे इन इख्तियार की हतमी मंजूरी पर अभी सैनिट में बहस जारी है ताहम ट्रूडो ने इस दौरान उन्हें ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है कनाडा के ऑनटे सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है सूबे भर में कोरोना वायरस ऐसी मुतासर होने वालों की तादाद दस लाख नौ हजार एक सौ एक तक जा पहुँची है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में मामूली कमी देखने में आ रही है आखिरी इतलात के मुताबिक कैनेडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमू तादाद बत्तीस लाख पचपन हजार अट्ठावन तक जा है जबकि हलाकते छत्तीस हजार एक सौ इकसठ हो गयी मुल्क भर में तीस लाख पचानवे हजार सात सौ दस अफराद सेहत याब हो चुके हैं ऑनटेरियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद दस लाख नौ हजार एक सौ एक तक जा पहुँची है जबकि हलाकतों की तादाद बारह हजार दो सौ अट्ठासी है कैनेडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकते क्यूबैक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमू केसेस की तादाद नौ लाख तेरह हजार नौ सौ एक है जबकि सूबे में वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद तेरह हजार आठ सौ छियासी तक पहुँच चुकी है कैनेडियन सूबे अल्बा में भी इस मौलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है अलबरता सूबा इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बहरानी सूरत हाल का सामना कर रहा है सूबे में पाँच लाख बाईस हजार अठासी अफराद करोना वायरस से मुतासर हुए हैं जबकि तीन हजार आठ सौ तीस अफराद हलाक हो चुके हैं ब्रिटिश कोलम्बिया में केसेज की तादाद तीन लाख पैतालीस हजार सात सौ चौंतीस है जबकि सूबे में वायरस होने वाली हलाकतों की तादाद दो हजार आठ सौ तीस है रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया दारुल हुकूमत की समेत दीगर शहरों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। हमले के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हो गया मजीद तफ़ी इस रिपोर्ट में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया हुकूमत की समेत दीगर शहरों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। हमले के बायस आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हो गया रूस के सदर वलादिमिर पुटिन ने यूक्रेन में फौजी कार्रवाई का ऐलान कर दिया अमरीकी खबर एजेंसी के मुताबिक रूस के सदर वलादिमिर पुटिन ने टेलीविजन से खिताब में कहा कि रूस को यूक्रेन की जानब ऐसी लाक खतरात के बायस यूक्रेन में फौजी कार्रवाई की जाएगी रूसी सदर ने मजीद कहा की रूस यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहता कार्रवाई में होने वाले खून हो खराबे की जिम्मेदारी यूक्रेन पर आयद होगी रूस यूक्रेन के इलाके दम्बास में खसूस फौजी ऑपरेशन किया जाएगा शहरियों को महफूज इलाकों में जाने की इजाज़त होगी सदर प्यूटन ने खबरदार किया कि किसी ने रूस की फौजी कार्रवाई में मदाखलत की कोशिश की तो उसके नतज इतने संगीन होंगे जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे होंगे रूसी सदर ने इल्जाम आये किया कि अमरीका और उसके इत्यादियों ने रूस के इस मुतालबे को नज़रअंदाज किया की कि वो यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनने ऐसी रोके और इस सिलसिले में मॉस्को को सिक्योरिटी गारंटी दी जाए सदर प्यूटन का मजीद कहना था की यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन का मकसद यूक्रेन को डी मिलिटराइज करना है यूक्रेन की जो फौजी हथियार डाल देंगे उन्हें महफूज इलाकों में जाने की इजाज़त दे दी जाएगी दूसरी तरफ यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में पाँच से छह धमाके सुने गए मीडिया के मुताबिक मुल्क के दीर इलाकों में भी धमाकों की इतलात है रूसी सफी बरए अकवा मुतहदा ने सलामती कौंसिल को मशी यूक्रेन आरोप हमले ऐसी आगाह कर दिया उनका कहना था की यू एन चार्टर के आर्टिकल इक्यावन के तहत रूस का ऑपरेशन दुरुस्त है उधर रूस यूक्रेन तनाजे पर सलामती कौंसल का हंगामी इजलास जारी है सेक्रेटरी जनरल अकवा मुतहदा ने खत्े की बिगड़ती पर शीश का इजहार किया उन्होंने कहा कि प्यूटन अपने फौजियों को यूक्रेन पर हमले से रोके अमरीकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन पर रूसी हमले पर रद्द देते हुए कहा की रूसी एकदम तबाह कुन इंसानी नुकसान का सबब बनेगा यूक्रेन हमले आरोप दुनिया रूस को जवाब दे ठहराएगी रूसी इकदाम पर मजबूत और मुतह रद्दमल के लिए नेटो से रब्ता करेंगे नेटो चीफ ने भी रूस के यूक्रेन के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन को गैर जिम्मेदाराना और बिला इश्तियाल इकदाम करार देते हुए मजम्मत की है यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले के बाद तेल की कीमतों में इजाफा हो गया सात साल बाद खाम तेल की कीमत सौ डॉलर फी बैरल से तजावुज कर गई यूक्रेनी सदर जेलेंस्की ने कहा कि हम किसी सूरत जंग नहीं चाहते आज भी मसला बातचीत से हल करना चाहते हैं मगर रूसी सदर बात करने से इंकारी हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में यूक्रेनी सदर जेलेंस्की ने कहा है कि हम किसी सूरत जंग नहीं चाहते आज भी मसला बातचीत से हल करना चाहते हैं मगर रूसी सदर बात करने से इंकारी हैं यूक्रेनी सदर का कहना था कि जंग में सिर्फ यूक्रेन और रूस का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नुकसान होगा रूस के हमले का भरपूर जवाब देंगे हम अपनी बका के लिए किसी भी हद तक जाएंगे यूक्रेनी वजी खारजा ने भी रूसी हमले पर शदी रद्द अमल दिया उन्होंने कहा कि रूस ने यूक्रेन आरोप बड़े पैमाने पर हमला किया यूक्रेन अपना दिफा करेगा पता हमारी होगी यूक्रेनी वजारत दाखिला की जानब ऐसी कहा गया है की रूस ने बेलिस्टिक और क्रूज मिजाइलों ऐसी हमला किया है दारकूमत की मॉरेपोल अडीसा और दीगर शहरों पर हमले हुए हैं दूसरी जानब अमरीका बरतानिया और नेटो की जानब से भी यूक्रेन पर रूसी हमले की शदीद मजम्मत की गई है अमरीकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन पर हमले के रद्द अमल में कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमला तबाहकुन इंसानी नुकसान का सबब बनेगा मामले पर दुनिया रूस को जवाब दे ठहराएगी अमरीका और इतिहादी मुतहद और फैसला कुल अंदाज में जवाब देंगे यूक्रेन पर रूसी हमले के नतज पर आज कौम से खिताब करूंगा बरतानवी वजीर अजम बोरिस ने भी यूक्रेन पर रूसी हमले की मजम्मत की उन्होंने कहा कि रूसी सदर ने बिला इश्त हमला करके खरेजी और तबाही का रास्ता चुना नेटो चीफ ने भी रूस के यूक्रेन पर हमले की शदीद मजम्मत की जेन्स स्टोलनबर्ग का कहना था कि रूस ने यूक्रेन पर बिला इश्त हमला किया रूस ने अनगिनत जानों को खतरे में डाल दिया रूस ने खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ जाहिरियत का रास्ता इख्तियार किया नेटो इतिहादियों के दफा के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा है कि वजी अजम इमरान खान के दौरे रूस से आगा हैं लेकिन इस दौरे की टाइमिंग पर फिलहाल कुछ नहीं कह सकता मजीदा अच्छा जानते हैं इस रिपोर्ट में तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस ने कहा कि वो वजी अजम इमरान खान के दौरे रूस से आगा है लेकिन इस दौरे की टाइमिंग आरोप फिलहाल कुछ नहीं कह सकता वॉशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी खिताब करते हुए नेट प्राइस का कहना था की हर मुल्क की जिम्मेदारी है रूसी सदर प्यूटन के ख्याल के खिलाफ आवाज़ उठाए उन्होंने कहा कि यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल पर हर जिम्मेदार मुल्क को तशवीश का मुजाहरा करना चाहिए यूक्रेन पर रूसी हमले से मुतालिक पाकिस्तान को अपनी हमत अमली से आगाह कर दिया है एक सवाल के जवाब में तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना था कि पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान के दौरे रूस का इल्म है ताहम इस दौरे की टाइमिंग पर तबसरा नहीं कर सकता तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि की अमरीका की सिफारती कोशिशों से पाकिस्तान को आगाह कर दिया गया है पाकिस्तान से हमारे देरना तालुका और शरात दारी है जमहूरी पाकिस्तान के साथ ताल्लुक को खुशहाल देखते हैं नेट प्राइस ने कहा की पाकिस्तान ऐसी बेहतर ताल्लुका अमरीका के मफात में है उम्मीद है रूस से ताल्लुक पर पाकिस्तान अमरीका मुशतर मफादात को मद्देनजर रखा जाएगा एक अरब से ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर है जहां इस वायरस से अब तक पाँच लाख बारह हजार नौ सौ चौवन हलाकते हो चुकी है। इस हैं इस हवाले से मसीद जानते हैं दुनिया भर में कोरोनावायरस वायरस ऐसी मुतासर अफराद की तादाद तैतालीस करोड़ से तजावुज कर गई। दुनिया भर में कोरोनावायरस वायरस ऐसी मुतासर अफराद की तादाद तैतालीस करोड़ छः लाख अट्ठाईस हजार छः सौ छिहत्तर तक जा पहुँची है जबकि इस मोजी वायरस से अमवात उनसठ लाख उनतालीस हजार दो सौ छियालीस हो गयी पैंतीस करोड़ बानवे लाख सत्तावन हजार एक सौ नब्बे मरीज सेहत याब हो चुके हैं कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवाद के से अमरीका पहले नंबर पर है जहां इस वायरस से अब तक नौ लाख छियासठ हजार पाँच सौ तीस अफराध मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमू तादाद आठ करोड़ तीन लाख बहत्तर हजार चार सौ चार हो चुकी है एक अरब से ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर है जहां इस वायरस से पाँच लाख बारह हजार नौ सौ चौवन हलाकते हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासिरा चार करोड़ अट्ठाईस लाख इक्यासी हजार एक सौ उन्नासी मरीज सामने आ चुके हैं सऊदी अरब इसी फहरिस्त में उनहत्तरवें नंबर पर पहुंच चुका है जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात आठ हजार नौ सौ नब्बे रिपोर्ट हुई है जबकि मुम्लिकत में कोरोना मरीजों की तादाद सात लाख इकतालीस हजार आठ सौ चौसठ तक जा पहुंची है टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो ऐसी वक्त इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक्टी टीवी Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian news bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV.